नमस्कार दोस्तों, सर्वेश्वर फूड लिमिटेड में आज बड़ी सी तेजी देखने के लिए मिली है दोस्तों। इसके पीछे का एक कारण है भाई, एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और इसके वजह से आज जो है जबरदस्त तेजी हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड में। अब देखिए, यहाँ पे इसका रिजल्ट डेट सबसे पहले आया है और उसी रिजल्ट वाली पीडीएफ में भी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और उसी न्यूज़ की वजह से यहाँ पे तेजी देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। देखिए, अगर अभी देखेंगे तो इसमें जो है 3% के आसपास की तेजी दिखा रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा है तो इसीलिए फ्लक्चुएट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल बन रही है, थोड़ा सा नीचे भी आया था, ऊपर भी गया और कल गिरावट इसमें आई थी, लेकिन रिजल्ट जो अपडेट था वो कल ही आया था, तो कल तो तेजी नहीं हुई। लेकिन हो सकता है कि न्यूज सभी लोगों को जब पता चलती है धीरे 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 करके, तो फिर उसके बाद जो है एक्शन लोगों की तरफ से होता है, तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सर्वेश्वर फूड लिमिटेड में क्या न्यूज आई है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका रिजल्ट डेट आया है यहाँ पे 14 अक्टूबर 2024 का पीडीएफ मैं ओपन किया हूँ, आप लोग भी जाके देख सकते हो ओपन करके। यहाँ पे सबसे पहले कंपनी ने कहा है कि हम एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं अपने बोर्ड डायरेक्टर की, तो यहाँ पे एक मीटिंग जो है ये लोग शेड्यूल कर रहे हैं अपने बोर्ड डायरेक्टर की, और जिसमें कंपनी जो है अपने जो है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जो है अनाउंसमेंट करेगी, घोषणा करेगी, और यहाँ पे देख सकते हो 30 सितंबर वाला। और साथ में देखेंगे तो एक और कंपनी इस मतलब इसी दिन विचार करेगी, मतलब इसी मीटिंग में दो दो दूसरे नंबर पे आपको दी जाएगा क्या पे एक न्यूट्रल ग्लोबल फूड्स DMCC दुबई बेस्ड कंपनी है यहाँ पे, ठीक है ना। एक इनकी दुबई की कंपनी है न्यूट्रल जो है ग्लोबल फूड्स लिमिटेड। अब ये कंपनी इनमें इनकी हिस्सेदारी पहले से ही है, सर्वेश्वर फूड की हिस्सेदारी पहले से ही इस न्यूट्रल फूड्स लिमिटेड में, न्यूट्रल ग्लोबल फूड्स में हिस्सेदारी है, ये इन्हीं की सेक्टर की कंपनी है लेकिन दुबई में है। लेकिन अब ये जो है ना, इनके जो और शेयर होल्डर हैं, अदर शेयर होल्डर जो भी हैं इनके, जिनका स्टेक इस कंपनी मतलब इस कंपनी का स्टेक जिनके पास है, जिन भी शेयर होल्डर के पास, उन शेयर होल्डर से इस कंपनी के शेयर जो है सर्वेश्वर फूड लिमिटेड खरीद के इसको अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी बनाने वाली है। समझ रहे हो आप लोग, न्यूट्रल ग्लोबल लिमिटेड में पहले से हिस्सेदारी पहले से ही है, बाकी और भी शेयर होल्डर होंगे इनके, तो उनसे इस कंपनी के शेयर खरीद कर, ठीक है ना, जबरदस्ती ढटिया के, और जो है यहाँ पे उसको जो है सब्सिडी कंपनी बनाया जाएगा, और जो है कुछ भी किसी भी मेथड से मतलब वो शेयर खरीदे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है एक न्यूज आई है और इसी न्यूज से मुझे लग रहा है कि ये जो है जबरदस्त तेजी हो रही है कि एक और सब्सिडी कंपनी ये जो है बनाने वाले हैं खरीद के, तो एक तरह के रिलेटेड कह लें ये एक तरह का एक्वाइजिशन हुई हुआ ना, तो उसी वजह से हो सकता है कि ये जो है न्यूज निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी जब बन जाएगी ना, देखिए स्टेक है आपका पास, आपके पास किसी कंपनी का, तो वो कंपनी जितना अर्निंग वर्निंग करेगी, डिविडेंड विविडेंड देगी या उसका प्राइस मोमेंटम करेगा, तो उसके हिसाब से आपको फायदा होगा। लेकिन वो कंपनी अब आपकी सब्सिडियरी कंपनी जब बन जाएगी ना, तो उसका भी बैलेंस शीट में जो भी लॉस प्रॉफिट रहेगा वो इनके बैलेंस शीट पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो ये आता है ना स्टैंड अलोन में, तो इस कंपनी का सीधा सीधा आएगा, लेकिन कंसोलिडेटेड में जितनी भी सब्सिडी कंपनियां होती हैं सबका रिजल्ट आएगा। तो ये भी कंपनी अगर सब्सिडी कंपनी बन जाएगी तो इसका भी जो है रिजल्ट इनमें ही मिक्स होके आएगा, एडिट होके आएगा, ठीक है ना। तो ये एक न्यूज है। मीटिंग की बात करेंगे तो मीटिंग इनकी जो है बहुत पास में ही रखी गई है, 18 अक्टूबर 2024 फ्राइडे, मतलब इसी शुक्रवार को इस कंपनी का आएगा रिजल्ट, तो देख लीजिएगा। और ये दोनों बातें उसी दिन डिसाइड होगी, क्या होता है क्या नहीं, जो भी आउटकम आएगा बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। और वही रिजल्ट भी आने वाला है, तो जब भी कोई शेयर फोकस में आता है किसी न किसी न्यूज की वजह से ही आता है, तो ये भी आ चुका है, लोगों के नज़र में पड़ा होगा, लोगों ने देखा होगा कि चार्ट इसका बढ़िया है, तो फिर खरीदारी हो रही है, वही तेजी हो रही है थोड़ी सी। हालांकि मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि 8 रुपये 50 पैसे के नीचे का आप लोग स्टॉप लॉस रख के इस रेंज के अंदर अंदर भी खरीद सकते हो और इस रेंज के ब्रेकआउट पर भी खरीद सकते हो, और इसमें एक अच्छी सी तेजी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ से मिल सकती है। मेरा भी उसमें पॉजिटिव है, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये कोई टिप्स नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। और बहुत पहले से बताते आया हूँ, हालांकि कल भी इस न्यूज़ को मैं कवर किया था, लेकिन अकेले नहीं कवर किया था, जेपी पावर एक बोनस वाली न्यूज़ थी और साथ में सर्वेश्वर फूड लिमिटेड, नीचे देखोगे यहाँ पे मैं उसकी वीडियो बना के बताया था आपको, तो कवर किया था कल इसको, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अलग बनाना चाहिए, आज अलग बनाया हूँ, लाइक करिएगा वीडियो को, ठीक है ना।